तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एचटी वर्जन 3। तो मतलब कंपैरिजन चल रहा है यार, बोर मत होना, कोई अच्छा टॉपिक है भी नहीं यार किस पे वीडियो बनाए। तो बस इन बाइक का कंपैरिजन कर रहे हैं, जो आप कमेंट कर रहे हैं कि भैया इसका कंपैरिजन कर दो, तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। आप भी कर देना कोई कमेंट, आपको यदि कोई वीडियो बनवानी हो किसी टॉपिक पे तो वो भी बना देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि अपने पास टाइम की कोई कमी है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बना देंगे। एचटी वर्जन 3 और पल्सर 150 का कंपैरिजन करेंगे, यूजी 5 का, दोनों बाइक से कंपैरिजन करेंगे अभी हम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लुक वाइज यार डिफरेंट लुक है दोनों बाइक से, काफी है तो दोनों ही, लेकिन बाइक पर जो पल्सर 150 यूजी 5 है वो इतनी मस्कुलर लगती नहीं है, लेकिन वेट उसमें काफी ज्यादा है। लेकिन एफजी वर्जन 3 फाइबर टैंक है मतलब, तो वो काफी मस्कुलर लगती है, लेकिन आपको पल्सर में वही मेटल का मिलता है, आपको फाइबर टैंक नहीं मिलता NS वगैरह की तरह, तो वो थोड़ा फर्क है यार दोनों बाइक्स में। तो बाकी बात कर लो मैं लुक तो यार मैं बताऊँ मेरे को कौन सा अच्छा लगा, एफजी वर्जन 3 का बढ़िया लगता है मेरे को। तो पल्सर का यार मतलब बोरिंग लुक हो गया, मतलब 10-20 सालों से यार वही चला आ रहा है, बताओ यार कोई लुक चेंज ही नहीं किया। जैसे R15 टू R1 वर्जन 3 हुआ है ना, R15 वर्जन 2 टू R15 वर्जन 3, ऐसे करने चाहिए यार चेंजेस। एफजी वर्जन 2 से एफजी वर्जन 3 बनाया गया, तो ऐसे चेंजेस करो यार पल्सर वालों, क्या कर रहे हो तुम भाई, ग्राफिक्स चेंज कर देते हो, नीचे इंजन कावर लगा देते हो यार, ऐसे थोड़े ना होते चेंजेस यार, ऐसे ही तुम 2019 मॉडल बना देते हो, तो ऐसे मत करो भाई, कुछ नया लेके आओ। तो यही बोलेंगे हम तो बजाज वालों को, क्योंकि यार कुछ नया नहीं लेके आ रहे हो, इंजन सेम है, लुक बिल्कुल सेम है, ग्राफिक्स चेंज कर दिया, UG5 बन गई भाई, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस है उस बाइक में, लेकिन बात करूँगा पल्सर की पावर और आपकी एफजी वर्जन 3 की पावर, तो पावर लगभग दोनों की सेम ही है, लेकिन फिर भी हल्की सी ज़्यादा है पल्सर में, लेकिन टॉप स्पीड में पीछे छोड़ देगी एफजी वर्जन 3 पल्सर को, पल्सर दिखेगी भी नहीं, दिखेगी यार वैसे पीछे देखोगे तो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पिकअप मिल जाएगा आपको एफजी वर्जन 3। तो एफजी वर्जन 3 आपके लिए बेस्ट रहेगी इंजन वगैरह परफॉर्मेंस वाइज, क्योंकि यार प्राइस भी तो देखना पड़ता है एक जगह, क्योंकि प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों बाइक्स में, हालांकि सेम इंजन है तो हमने कंपेरिजन कर दिया, बट प्राइस काफ़ी कम है एफजी वर्जन 3 से पल्सर की। पल्सर की आपकी ऑन रोड पड़ जाती है 90 के लगभग पड़ जाती है, और जो एफजी वर्जन 3 होता है यार 15,000 ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग बाइक वैल्यू फॉर मनी है, मतलब ये आपकी पल्सर 150 UG5। तो UG5 में जब से मतलब ये नीचे इंजन कावल और नया ग्राफिक्स आया तो शायद काफ़ी अच्छी लग रही है, बट पहले बहुत ज़्यादा बोरिंग लुक हो गया था। तो यार मेरे को नहीं लगता कि बाइक में यदि आगे भी इन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया तो चलेगी बाइक, क्योंकि यार कुछ ऐसा चेंज करना चाहिए जिससे कि बिल्कुल बाइक ही बदल जाए पल्सर तो माने यार, क्योंकि ऐसा चेंजेस करेगी यदि पल्सर ऐसे चेंजेस करती रहेगी तो यार बात बनने वाली है नहीं, पल्सर की बिल्कुल सेलिंग टूट जाएगी, मतलब सेलिंग नहीं होने वाली फिर आने वाले टाइम में, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं एफजी वर्जन 3 आ गया मतलब इसी कंपटीटर। तो यार आप यदि ले रहे हो कोई बाइक तो यार आप एफजी वर्जन 3 लोगे या फिर पल्सर लोगे, मैं होता तो यार एफजी वर्जन 3 लेता, क्योंकि यार बिल्कुल न्यू जनरेशन के हिसाब से यार बाइक भी तो देखनी पड़ती है कि कौन सी अच्छी है, कौन सी लुक वाइज अच्छी है। तो एफजी वर्जन 3 काफ़ी अच्छी है पल्सर से, पल्सर में आपको माइलेज ज़्यादा मिल जाती है, ये तो है कि 40 to 50 भी मिल जाती है पल्सर में तो आपको कई बार, जैसे कि मेरी वाली जो पहले अपाची थी मेरे पास, जो अपाची है अभी भी, उसमें यार मेरे को 50 मिल जाती है कई बार, मिल जाती हाईवे वगैरह पे। तो पल्सर और अपाची के लगभग सेम ही है, माइलेज ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों बाइक्स में। तो एफजी वर्जन 3 में शायद आपको कम देखने को मिल सकती है, मतलब 40 to 45 तो उसमें भी मिल ही जाएगी आपको, लेकिन हाईएस्ट आपको 45 मिलने वाली एफजी वर्जन 3 में, क्योंकि एफजी पहले भी ज़्यादा नहीं थी माइलेज, इतनी कम ही थी माइलेज, कुछ ज़्यादा फर्क था नहीं माइलेज में। तो भी बता दूंगा आपको दोनों बाइक्स में से वैल्यू फॉर मनी, यदि आप कोई सी बाइक लेना चाहते हैं तो एफजी वर्जन 3 है, फुल पैसा वसूल बाइक है, लुक के मामले में भी और पावर वगैरह के मामले में भी, और जो आपको हेडलाइट मिलती है वो भी LED मिलती है, और ABS मिलता है यार, सबसे बड़ा फीचर है इसका ABS तो चलो यार पल्सर में भी आ जाए कुछ दिनों में, लेकिन अभी की बात कर रहा मैं, क्योंकि आने वाले टाइम की बात नहीं कर रहा, आने वाले टाइम में पता नहीं यार क्या क्या हो जाएगा, आने वाले टाइम में पता नहीं ड्यूअल चैनल ABS भी आ जाएगा, पता नहीं क्या वर्जन 4 भी आ जाएगा फिर तो, लेकिन पल्सर भैया ऐसी रहने वाली है ये पल्सर, मतलब यार मैं क्या बताऊँ बजाज वालों का, कोई चेंज ही नहीं कर रहे यार, ग्राफिक्स चेंज कर दिया, वाओ UG5 बन गई है, स्प्लिट सीट कर दी 150 में, UG5 बना दी 180 की तरह। तो यार ये कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, तो इनके चेंजेस नहीं बोलते इनको हम, ये कुछ बोरिंग कर देते हैं, मतलब यार
कितनी सेलिंग हो रही पल्सर की आज के टाइम में, कुछ ज़्यादा सेलिंग नहीं हो रही पल्सर की। जिनका बजट कम है वही ले रहे हैं, बाकी जिनका बजट है अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा ये नहीं 2-3 करोड़ का, मतलब जिनका है भैया हाँ 1 लाख तक की बाइक लेनी है, तो वो तो यार पल्सर को भूल के भी सोचेंगे भी नहीं पल्सर 150 के बारे में। NS 160 ले सकते हैं, NS काफ़ी अच्छी है परफॉर्मेंस वाइज की, टॉप स्पीड भी आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, 140 तक की टॉप स्पीड मैंने देखी है NS 160, तो काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो FG वर्जन 3 और पल्सर, इन दोनों बाइक्स के बारे में बात करें, पल्सर VG5 और FG वर्जन 3, तो इनमें से यार FG वर्जन 3 फुल पैसा वसूल बाइक है, 10-15 हज़ार महंगी है, लेकिन यार काफ़ी अच्छी बाइक है FG वर्जन 3, वही लेना, भूल के भी मत लेना पल्सर। किसी का बजट कम है तो भैया बेसिक ले सकते हैं, मैं मना नहीं करता किसी को भी, और ना ही किसी बाइक की बुराई करता हूँ ज़्यादा ज़्यादा यार, कुछ ज़्यादा ही हो जाती तो कर देते कई बार, क्योंकि यार कुछ कंपनियाँ ना बिल्कुल नकटी हो जाती है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, जैसे बजाज कोई चेंजेस कर ही नहीं रही अपनी बाइक में यार, तो बड़ा यार बोर हो जाते हैं, कितने साल तक देखेंगे भाई वही पल्सर, कोई नहीं लेने वाला। FG वर्जन 3 इज़ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट 150cc, तो काफ़ी अच्छी बाइक है FG वर्जन 3। यदि किसी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट कर सकते हैं आप, रिप्लाई दूंगा जल्दी से जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।